गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आज हम लोग कोर्स बी यानी जो आपकी जान पहचान किताब है उसको पढ़ने जा रहे हैं ठीक है उसका ये सैम्पल पेपर आया है यहाँ आप सेशन भी देख पा रहे कि तेईस चौबीस का है तो ये बोर्ड के एग्जाम के लिए या प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं अब देखिए आपको पता है कि भाई आपकी टाइमिंग हमेशा थ्री आर की रहने वाली है और इस बार आपके जो पेपर होगा वो आपका एटी मार्क्स का रहेगा ठीक है चलिए आ जाते हैं तो पहला जो सेशन रहता है आपका देखिए सेक्शन ए जिसमें लिखा है हिस्सा आिलिफ इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको यहाँ कुछ अकबाज़ दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है गौर से पढ़ना है और उनके मुतक़ पूछे गए सवाल के जो है जवाब देने हैं चलिए तो शुरू करते हैं पहला जो आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए रज़िया सुल्तान के बारे में दिया गया है बेटा देखिए जब भी आपको कोई अख्तबाज का सवाल होता है तो पहले आप अच्छे से बिल्कुल सुकून से तसल्ली के साथ अहतबास को पढ़ा करें और उसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिया करें ठीक है तो ये मेरे नज़दीक ये काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं बशर्त ये है कि आपको उर्दू पढ़नी आनी चाहिए ठीक है चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मालिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी वो दिल्ली के बादशाह अलतुमिश की बेटी थीं अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी बाप ने अपनी जिंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर कर दिया वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था ठीक है यानी अलतुमिश जो बादशाह थे उन्हें पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि हमारे बाकी बेटे जो हैं या बाकी जो बच्चे हैं वो इस लायक नहीं हैं है ना इसलिए उन्होंने अपनी आ, मतलब ज़िंदगी में ही ये बात आ, लिख दी थी कि भाई मेरे बाद जो है मेरे जानशीन यानी जो तख्त पे बैठेगा वो कौन होगा वो रज़िया सुल्तान होंगी ठीक है उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल करा लिया था ठीक है यानी अब क्या होता था पहले ज़माने में जो सिक्के चलते थे है ना उसमें उस दौर के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम लिखा होता था या उनकी तस्वीर होती थी जैसा भी रहा हो ठीक है तो उस पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखवा दिया था तकनशीनी होने पर रज़िया ने अहद किया यानी जब वो तखनशीन नशीन हुई यानी जब वो मलिका बनी तो उन्होंने ये अहद किया था कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मर्दों से कम नहीं हूँ ठीक है यानी आपको पता होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये बात थी कि भाई पहले उनके भाई को बनाया गया था बाद में फिर इनको बनाया गया था राइट आगे आ जाइए अब यहाँ लिखा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो अभी आपने पढ़ा बादशाह बादशाहतुमिश की बेटी थी अब यहाँ लिखा है रजिया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी तो आपको पता है हिंदुस्तान की थी अगला लिखा है रजिया सुल्तान की क्या ख़ूबियाँ थीं तो ख़ूबियाँ ये थीं कि वो बहुत मेहनती थीं है ना होशियार थी जहीन थीं ये रहा देखिए यहाँ आपने पढ़ा अभी ठीक है आगे आ जाइए अगला सवाल कि भाई रज़िया सुल्तान ने जब वो तख्त पर बैठी तख्त नशीनी हुई उनकी तो उस वक्त उन्होंने क्या अहद किया था तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि जब तक मैं अवाम की भर मतलब तरक्की का काम करूँगी और ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ सुकून से नहीं बैठूँगी ठीक है तो ये आप लिख सकते हैं अगला सवाल रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे तो अभी आप पढ़ आए के आए कि भाई वो बहुत ज़्यादा ऐश पस पसंद थे यानी आराम पसंद और मतलब काम आम ना करना सिर्फ सोना या अपनी मस्ती में रहना इस टाइप के थे ठीक है तो ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं देखिए मैं आपको सारा जो इसकी मार्किंग स्कीम है वो भी अभी आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है तो पहले कोशिश आप लोग ये कीजिए कि आप लोग खुद से पढ़ें और ख़ुद से जवाब दें ठीक है क्योंकि मैं सवाल करवा रही हूँ अगर मैं ऐसे डायरेक्ट छोड़ दूंगी तो कुछ बच्चे कमेंट करते कि मैम आप प्लीज़ करवाया करें इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ आप वीडियो पाउज़ कीजिए अपने आप से पहले पैराग्राफ को पढ़िए और अपने आप जवाब दीजिए फिर मेरे जो मैं आपको जवाब बता रही हूँ उससे मैच कीजिए कि आपके कितने जवाब सही हैं ठीक है इससे आपकी प्रैक्टिस होगी इससे आपको पता चलेगा कि आपने पूरे साल कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है चलिए आगे आ जाइए अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा जो है ये शेर अकलबाज है इसमें लिखा है तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया कैसी जमी बनाई क्या आसमा बनाया मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाया पहना के सब्ज़लत उनको जवाब बनाया सूरत से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी क्या खूब चश्मत उन्हें ए बह बनाया ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहचहाती जह कुदरत ने तेरी इनको तस्वीर ख़ँ बनाया रहमत से तेरी क्या क्या है नमत मयसर इन नेमतों का तुझको कदरदा बनाया ठीक है तो ये आपकी नज्म थी इसे आपने पढ़ा ठीक अब आप बताइए ये नज्म किसकी है ठीक है आप जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग फिर लिखा है जिस नजम ने खुदा ताली की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं तो ये मैं आप लोग को सौ मरतबा बता चुकी हूँ अगर खुदा तला की तारीफ़ हो तो उसे हमद कहते हैं ठीक है अगर रसूल अल्लाह की तारीफ़ हो तो उसे नात कहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा अब आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर है आगे लिखा है खुदा ने मिट्टी से क्या उगाया है चिड़िया किसकी तस्वीर खाँह करती हैं यानी किसकी की तस्वीर बयान करती हैं ख़ैलत और चश्मे के क्या मायने हैं ठीक है तो अब जरा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि आपको इसमें से कितने जवाब पता हैं चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको यहाँ लिखा है ये आपके गैर दरसी अकेबास है यानी जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं ठीक है अब आपको इनको पढ़ना है दो अकेबाज होंगे एक आपका नसरी होगा दूसरा आपका शेरी होगा आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको जवाब देने हैं यह ये देखिए यहाँ से अब आप लोग वीडियो पाउज कर लीजिए और इसे पढ़ के जवाब दीजिए ठीक है तब तक कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ पंद्रहवीं सदी और सोलहवीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफ़ॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे ठीक है कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे वो बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे उनके दोहे आज भी आम व ख़ास लोगों में यकसा मकबूल हैं और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं गुरु नानक नेकी और पाकबाज पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब की जमीन से उभरे उनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया ठीक है अब आप गुरु नानक और कबीर दास दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कबीर दास जी हम लोग की हिंदी में उर्दू में शामिल हैं है ना उनके दोहे हमें पढ़ाए जाते हैं और गुरु नानक जी को तो कौन नहीं जानता है ना तो यहाँ पे उन्हीं की बात की गई है दोनों की लिखते हैं कबीर का ज़्यादातर कलाम पूरे ज़बान में है जो उनके इलाक़े की ज़बान थी गुरु नानक की ताल और शायरी पंजाबी जबान में है लेकिन इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती आलमी अमन और खैर खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं दोनों ने इनके आ, दोनों ने इनकी इखलाक़ी कदरों की तलीम दी है ठीक है र्ज़ ये कि दो अलग अलग जगह पे पैदा हुए दोनों की ज़बाने अलग हैं है ना लेकिन दोनों की तालीम सेम है तालीम ये है कि भाई हमें क्या करना है हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी है ठीक है हमें इंसानी दोस्ती को बढ़ावा देना है हमें लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है किसी की बुराई ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है ठीक है अब देखिए आपने अकतेबास तो पढ़ ही लिया होगा अब आपको पहला सवाल देखिए लिखा है कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था तो अभी आप पढ़ के आए पंद्रह और सोलह था आगे लिखा है कबीर की शहरत की वजूहत क्या क्या है यानी कबीर जो है कबीरदास जी वो किस वजह से मशहूर हुए हैं अब आप इकतेबास में से जल्दी जल्दी सारे जवाब दीजिए बाकी आंसर शीट में दिखाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे एक बार ठीक है गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया था तो इंसानी दोस्ती इन सब चीज़ों का किया था ठीक है आगे लिखा है गुरु नानक की ताल और शायरी किस ज़बान में अभी आपने बड़ा पंजाबी जबान में आगे लिखा है गुरु नानक और कबीर के कलाम की खास खूबियाँ क्या ये सब चीज़ें अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ के आ चुके हैं ठीक है तो बहुत आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं आगे आ जाइए अब ये आपका देखिए शेरियत ने अकतबास है इसमें लिखा हुआ है आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना वो बाग की बहारें वो सब चहचहाना आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोसले की अपनी ख़ुशी से आना अपनी ख़ुशी से जाना लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना आती नहीं सदाएँ इसमें इसकी मेरे कफ़स में होती मेरी रिहाई काश मेरे बस में है ना ये क्या है ये एक अलावा की बहुत खूबसूरत सी नज़म है ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं अब देखिए यहाँ लिखा है परिंदे को क्या याद आता है तो क्या याद आ रहा है उसको गुज़रा हुआ ज़माना है ना जो ज़माना उसका गुजर गया है यानी अभी तक वो आज़ाद था लेकिन इस वक्त किस में है वो कैद में है देखिए यहाँ लिखा है ना आता है याद मुझको वो गुज़रा हुआ ज़माना कौन सा ज़माना वो जब वो आज़ाद था बाग में उड़ता था चिड़ियाँ चहचहाती थी है ना आज़ादिया कहाँ अब वो अपने घोंसले की अब क्या है अब वो बेचारा कैद हो चुका है पिंजरे में बंद है इसलिए उसे अपने घोंसले की आज़ादियाँ याद आ रही हैं कि अपनी मर्जी से आओ जाओ कहीं पे बैठो कुछ भी खाओ है ना अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना क्यों पिंजरे में तो बेचारा बंद है जब उसका जो मालिक है जिसने उसे कैद किया अगर वो खोलेगा तो ही वो खुल सकता है अदरवाइज उसमें बंद रहेगा बेचारा है ना अब कहते हैं लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना क्योंकि जब परिंदा जंगल में है गुलशन में है बाग में है तो क्या है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी फूल किसी भी पेड़ किसी भी टहनी पर बैठ सकता है है ना जितने भी फितरत के मनाजिर हैं उनका मज़ा ले सकता है लेकिन पिंजरे में ये सब चीज़ें उसे नहीं मिलेंगी है ना फिर वही वाली बात उसे आगे याद आती है कि भाई वो प्यारी प्यारी सूटें है ना आ, आ, आ कामसी महूर्त यानी वही आ, उसके अपने दोस्त अपने अहबाब है ना और जो उसके आसपास का मंजर है वो सारी चीज़ें से याद आ रही हैं क्योंकि इस वक्त वो क्या है पिंजरे में कैद है लास्ट में वो अल्लाह पाक से दुआ करता है कि कहते हैं आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में यानी मेरे पिंजरे में मेरे जेल ख़ाने में कफस मतलब पिंजरा है ना उसकी सदाएं नहीं आ पानी क्योंकि मैं उससे अब बहुत दूर हो चुका हूँ लेकिन काश मेरी रिहाई मेरे बस में होती तो मजा आ जाता है ना यानी इस पिंजरे से मैं अपनी मर्जी से आजाद हो पाता तो कितना अच्छा होता देखिए इकबाल ये तो देखिए लुगवी मायने जो सामने के थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसमें बहुत गहरी गहरी बातें भी होती है है ना जो खैर अभी आप नहीं समझ सकते इसलिए उसे अब हम जाने देंगे ठीक तो है तो अब यहाँ लिखा है परिंदे को क्या याद आ रहा है तो आप बता सकते हैं भाई गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है आज़ादी का मुताजा क्या हो गया क़ैद हो गया है ना आज़ादी मतलब हम आज़ाद हैं मुताजा उल्टा अब आज़ादी का मुताजा क्या हो गया कैद जहाँ हम बंधे हुए हैं क़ैद में हैं दिल पर चोट क्यों लग रही है क्योंकि वो बेचारा कैद में है है ना पिंजरे से बार बार वो टकरा रहा है उसे पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं तो उसके दिल पे चोट लग रही है परिंदे का आशियाना किस दम से आबाद था तो किसके दम से था उसके अपने दोस्त यार अहबाब है ना आगे लिखा है आज़ाद या कहाँ वो अपने घोंसले की इस शेर का दूसरा मिसरा जो है मुकम्मल कीजिए तो अब यहाँ से आप मुकम्मल कर सकते हैं दूसरा मिसरा ठीक है आगे आ जाइए देखिए यहाँ आप, आप, आप आपको अगला सवाल दिया गया है कि कम से कम आपको 250 वर्ड्स पे आ, मजमून लिखना है कौमी त्यौहार अब देखिए बेटा सारे एक मैं जर्नल आपसे बात करूं तो आपको पता है कि भाई हमारे चैनल पे आपके सारे चैप्टर्स आपके आंसर्स एक्सप्लेनेशन ये सब चीज़ें तो अवेलेबल हैं ही साथ में आपकी ग्रामर की भी सारी चीज़ें मुतजाद अल्फाज या जो भी चीज़ें हैं है ना ग्रामर की मुहावरे अल्फाज अल्फ साहब साहबे लाइके सब अपलोड हैं ठीक है जीके? साथ ही आपके कौमी त्यौहार यानी जितने भी ऐसे हैं वो भी अपलोड हैं जो भी एप्लीकेशन हैं वो भी अपलोड हैं ठीक है तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं कोई मसला नहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मैम हमें नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आप लोगों को जल्द से जल्द उसे फराहम करवाऊंगी ना चलिए खैर अब अगर हम बात कर लें कौमी त्यौहार की तो बेटा आपको पता है हमारे जो मुल्क है उसमें दो तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं एक होता है आपके कौमी त्यौहार और दूसरे होते हैं आपके मजहबी त्यौहार राइट कौमी त्यौहार कि उन्हें कहा जाता है कौमी त्यौहार उन्हें कहते हैं जो कौम के लोग मिल बनाते हैं ठीक है यानी एक नेशन के लोग राइट जैसे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी है ना वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब से बिलोंग नहीं कर रहा है राइट तो आपके तीन त्यौहार हैं कौमी ठीक तो जब आप इस तरह का कोई ऐसे आपको आता है तो उसे आप कैसे लिखेंगे उसे आप लिखते टाइम यही करेंगे कि भाई सबसे पहले आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि भाई हमारे मुल्क में दो तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं एक कौमी एक मजहबी ठीक है फिर कौमी त्यौहार कौन कौन से हैं उन्हें आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई तीन कौमी त्यौहार हैं एक आपका कौन सा है पंद्रह अगस्त दूसरा कौन सा है छब्बीस जनवरी तीसरा कौन सा है दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती ठीक है और फिर इनमें से किसी भी एक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से ठीक है तो ढाई सौ वर्ड्स में आप ऐसे ही लिख सकते हैं और चाहे तो आप तीनों को भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा तो लिखा नहीं है कि कोई भी एक कौमी त्यौहार उन्होंने कहा कौमी त्यौहार पर लिखिए अब आपको जो अच्छा लगे उस पर आप लिख सकते हैं ठीक इसी तरह से आपसे मजहबी त्योहार पे दे दिया जाता है तो आपको पता है मजहबी त्योहार किसी पर्टिकुलर मजहब से बिलोंग करने वाले त्यौहार को कहते हैं जैसे आपका ईद होली बकर दिवाली क्रिसमस राइट तो इसे आप कर सकते हैं चलिए आगे आ जाइए अब आपका अगला सवाल है प्रिंसिपल से आपको क्या करना है दो दिन की छुट्टी लेनी है तो आपको पता है कि बहुत आसान है आप लोग बहुत मज़े से कर सकते हैं आगे आ जाइए अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा आपको सवाल है फ़ीस माफ़ करने के अच्छा सॉरी आपको प्रिंस अपने वाले साहब को ख़त लिखना है कि भाई वो फ़ीस भेज दें ताकि आपकी फ़ीस जमा हो जाए राइट right? तो आप लिख सकते हैं अच्छा अब बेटा दो चीज़ें दिमाग में रखेगा सबसे ज़्यादा आपके जो पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं उसमें आपका सेक्शन तब्दील कराना फीस माफ़ी और दो दिन की छुट्टी ये तीन अप्लीकेशन ऐसी हैं तीन दरख्वास्तें ऐसी हैं जो हर बार रिपीट होती हैं ठीक है ठीके? तो इन तीनों को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा तीनों हमारे चैनल पर अपलोड है अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं अब अगर हम बात करें तो देखिए आपको पता है कि भाई आपके जो भी सब्जेक्ट हैं ठीक है ठीके? उसमें आपके जो राइटर दिए गए हैं जो पॉइट दिए गए हैं यानी अदीब दिए गए हैं या जो शायर दिए गए हैं उनकी हालात ज़िंदगी पर भी एक छोटा सा नोट आता है ठीक है तो जैसे अब यहाँ लिखा है रतन सिंह की अदबी खद पर नोट लिखना है आपको ठीक है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई रतन सिंह थे कौन कहाँ कब पैदा हुए ठीक है उन्होंने अदब के लिए क्या क्या किया उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी है ना कौन सी किताबें लिखी ठीक है नहीं तो आपको इंटरनेट के फायदे और नुकसान पर रोशनी डालनी के भाई फायदे क्या क्या हैं इंटरनेट के तो ये आपको ऑप्शन है अल्टरनेट है दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आप कर सकते हैं ठीक है ठीके? इसी तरह से अगले सवाल में देखिए यहाँ लिखा है मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी पर आपको रोशनी डालनी है ठीक है कि भाई मीर साहब जो हैं वो कब और कहाँ पैदा हुए हैं ठीक है ठीके? जैसे आपको पता है आगरा में पैदा हुए किस सन में पैदा हुए ठीक है फिर वो दिल्ली क्यों आए ठीक है अगर दिल्ली आए तो फिर दिल्ली से लखनऊ क्यों गए उन्होंने कौन कौन सी शायरी की ठीक है कौन कौन सी किताबें लिखी तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ये सब चैनल पे मेरी अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है ठीके? इसे याद करने की ट्रिक के भाई हम कौन कौन से याद करें इसकी ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई है आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं अगला है साहिल लुधियानवी साहब का तो अब अगर आप मीर को नहीं लिखना चाहते तो आप साहिल लुधियानवी को लिखिए ठीक है ठीके? दोनों में से किसी एक पर आपको लिखनी ही लिखनी है आगे आ जाइए अगला सवाल देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि भाई यहाँ पे आपको एम सी है ये सोलह मार्क्स के रहेंगे आपके इसमें आपको सही जवाब पर टिक करना होगा ठीक है यहाँ देखते हैं वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं जल्दी से टिक करते चलिए बाकी एम जब कम्प्लीट हो जाएंगे मार्किंग स्कीम में मैं आपको इसे दिखा दूंगी इनके जवाब अगला सवाल वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं जल्दी से बताइए ठीक है और साथ में मुझे ये भी बताइए इसमें ज़मीर और सिफत किसे कहा जाता है आगे लिखा है शिकस्त शिकस्त मतलब क्या होता है हारना ठीक है अब हारने का उल्टा क्या होगा जल्दी से बताइए अब शिकस्त मतलब हम हार गए ठीक है तो शिकस्त अगर मैं कहूँ हार गए तो हार का तो जीत होता है उल्टा लेकिन अगर मैंने कहा शिकस्त तो शिकस्त का अपोजिट क्या होगा तो उसका होगा फतेह अब आप बताइए फतेह कौन सा है ये फातह है फतेह है फतह है क्या है कौन सा सही है बताइए जल्दी से मैंने आपको तल्फ करके बता दिया है कि कौन सा सही है फतेह सही है ठीक है अब टिक मार्क में ये भी चीज़ें हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही है सॉरी बच्चों पार्टी मेरे ना गले में इन्फेक्शन हो रखा है इसलिए बार बार आवाज़ में पता नहीं क्या हो जाता है खैर आ जाइए अगले सवाल पर यहाँ लिखा है आलात आलात का वाहिद क्या होगा तो आलात का वाहिद होगा आला ठीक है मैं आपको कुछ कुछ बता भी देती हूँ जल्दी में चलिए खैर अपने आप कीजिए फटाफट आगे लिखा है मुजक्कर अल्फाज अलग कीजिए देखिए बेटा मुजक्कर किसे कहते हैं जिसमें हमें पता ये चले कि ये आदमी है ठीक है जिसके पीछे रहा है आए ठीक है अगर मुआनस होगा यानी लड़की होगी तो उसके पीछे क्या आएगा रही है ठीक है तो अब आप जरा इसको ना जुमले में इस्तेमाल करके देख लीजिए मलिका मलिका आ रही हैं बेटी बेटी पढ़ रही है बहन बहन काम कर रही है है ना अब लेकिन आलिम आलिम साहब आ रही हैं है ना तो पे क्या हो गया ये ही वाला मुदक्कर हो गया ठीक है ना अब देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा है का साप का किसे कहते हैं बेटा जो आगे लगता है ठीक है लायका पीछे लगता है तो जो आगे लग रहा है उसको अलग करना है देखिए सुखन पीछे क्या लगा वर्त तो ये तो, तो लायका हो गया महक पीछे क्या लगा दार ठीक है तो ये तो, तो लायका हो गया गुल पीछे क्या लगा दान तो ये भी लायका हो गया लेकिन यहाँ देखिए खुश किस्मत तो मेन लफ्ज क्या है किस्मत उसके आगे क्या लग गया खुश ठीक है तो मेन लफ्ज के अगर कुछ आगे लगता है तो वो होता है का लेकिन अगर मेन लफ्ज के कुछ पीछे लगेगा तो वो क्या होता है लाका ठीक है आगे आ जाइए अब यहाँ लिखा हुआ है मुदजाजेल अल्फाज में से जमा की निशानदेही कीजिए जो क्या है जमा है तो देखिए बेटा रूह सिंगल है है ना मकान सिंगल है अफसर सिंगल है लेकिन अशजार यानी ये शजर की जमा है ठीक है तो ये क्या हो गया ये प्यूलर हो गया यानी ये जमा हो गया अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम आवाज लफ्ज को क्या कहते हैं देखिए आपको पता है जब हम शायरी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है रदीफ एक चीज होता है काफिया ठीक है रदीफ किसे कहते हैं रदीफ वो होते जो सेम लफ्ज बार बार रिपीट होते हैं जैसे मैं कह दू हम 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 बार बार अगर हम हम, हम आ रहा है तो ये क्या हो गया ये आपका हो गया रदीफ लेकिन अगर कोई इससे पहले एक ऐसा लफ्ज आ रहा है जो सेम आवाज़ पे ख़त्म हो रहा है जैसे उड़ना हंसना रोना गाना उसमें सब में देखिए नून अलिफ ना नून अलिफ ना तो ये ऐसे हम आवाज़ वाले जो लफ्ज होते हैं ये काफ़िया कहलाते हैं अब आपको पता है मतला किसे कहते हैं गज़ल के पहले शेर को मक्ता किसे कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल इस्तेमाल करता है ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा काफ़िया आगे आ जाइए यहाँ लिखा हुआ है कि दर्ज झेल मुहावरों को क्या करना है जुमलों में इस्तेमाल करना है ठीक है पहले आप लोग मुझे कमेंट करके इसके मीनिंग बताइए और उसके बाद इसे जुमलों में इस्तेमाल करना है पहला लिखा है हथियार डालना फिर लिखा है बेस बदलना फिर लिखा है बाघ बाघ होना और उसके बाद लिखा हुआ है दातों तले उंगलियां दबाना ठीक है इनके जरा जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके मीनिंग क्या है आगे आ जाइए अब यहाँ अगला सवाल आपको दिया गया है कि आपके सिक्स मार्क्स का है इसमें से आपको क्या करना है जो भी सवाल आप पूछे गए उनके जवाब देने यानी तीन सवाल हैं तीन सवाल आपके दो दो नंबर के रहने वाले हैं पहला सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा क्या नाम था अच्छा लो नाम तो मैंने पूरा ही ले लिया ठीक है और उनका ताल्लुक किस खानदान से था तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए अगला लिखा है ज़िलाबारी से क्या नुकसान हो सकते हैं अब आपको पता है ज़ालावारी किसे कहते हैं ओलों का गिरना ठीक है अब झालावारी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आप बताइए जल्दी से इसके बाद लिखा है बे मजमून का मरकज़ी ख्याल क्या है यानी जो आपका मजमून है बेतकल्लुफ़ ठीक है बेतकल्लुफ़ी का क्या मतलब है उसका मरकजी ख्याल क्या बयान करना चाह रहे हैं तो आपको पता है उसमें यह बताया गया है कि भाई जो लोग ना बेतकल्लुफ़ होते हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं है ना वो कुछ भी मुँह फाड़ के आपसे मांग सकते हैं उनके अंदर कोई शर्म नहीं बचती मतलब वो आपसे ना बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ में है ना तो उन्हें किसी चीज़ का ऐसा नहीं लगता जैसे अब मैं आपके साथ आऊँ एक ही से मैं आपसे कुछ मांगूँ हो सकता है मुझे ऐसा लगे यार मैं क्यों मांग रही हूँ मुझे नहीं मांगना चाहिए तो बच्चे हैं है ना मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ लेकिन वहीं अगर मेरे और आप अच्छे से दोस्त हैं है ना फ्रेंडली है तो क्या होगा मैं आपसे कुछ भी कहूँगी जरा मेरे ले, लिए पानी लिया ले, फटा फटाफट जाके या मुझे चॉकलेट लागे दो जल्दी से तो कहने का मतलब ये कि आ, मैं कुछ अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं मैं आपसे कह रही हूँ पानी लाने के लिए आपके पैर में दर्द हो रहा है है ना तो कहने का मतलब ये कि बेतकल्लुफ़ी जो लोग हो जाते हैं वो बहुत फ्री हो जाते हैं किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं तो कई मरतबा आपको बेजती का सामना भी करना पड़ जाता है है ना तो इसलिए इसका मजमून क्या है कि बेतकल्लुफ़ी जो है वो क्या है नुकसान है आपके लिए ठीक है आगे आ जाइए बाकी अभी मैं आपको जवाब दिखाऊंगी लिखे हुए तो आप वहाँ से बहुत तफसील से जवाब लिख सकते हैं मुझे पता है आप लोग को उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको तव... लिखे हुए जवाब भी दिखाऊंगी ठीक है तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं अभी आप पहले चीज़ों को समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं अब देखिए यहाँ दो नंबर के दिए गए कि इनके बहुत छोटे छोटे जवाब देने हैं उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई ठीक है तो इसका सिंपल सा जवाब आपको दे देना हिंदुस्तान में ठीक है आगे लिखा है रजिया सुल्तान के रजिया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की ठीक है तो यानी ये चैप्टर आपकी ही किताब से लिया गया है ठीक है तो अब आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से पता होगा अगला सवाल फिर ये आपके चार नंबर का है यानी दो दो नंबर के रहने वाले हैं ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता हम के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है ठीक है तो ये दोनों जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर आपने मेरे सारे चैप्टर्स को पढ़ा है अगर आपने वीडियोस देखी अभी भी आपके लिए देर नहीं हुई है आप लोग बैठ के सारी वीडियोस एक बार में देख सकते हैं ठीक है अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर देख के जाए ठीक है अब यहां तीन मार्क्स का है पहला सवाल लिखा है कि इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ है नाजुकी उनके लब की क्या कही है पंखुड़ी गुलाब की सी है सन्नतें भी मैंने अलग से डिस्कस करी हैं आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं ठीक है आगे लिखा है सन्नत का मतलब होता है बेटा जब हम शायरी को ना खूबसूरत बनाते हैं जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होता है ना अलंकार ठीक है अलंकार में क्या होता है हम लोग यमक अलंकार है अनुप्रास अलंकार है ये जो अलंकार हम पढ़ते हैं ये क्या है ये शायरी को ख़ूबसूरत बनाने के लिए किए जाते हैं हिंदी में ठीक है ऐसी उर्दू में शायरी को अगर मैं खूबसूरत बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं सनतों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ऐसे तशबी है इस्तियारा है, है ना और बहुत सारी अलग से सनतें हैं जो आपकी जिसमें आप सनत तजाद कह सकते हैं है ना और आपके हुसन तो तालील कह सकते हैं बहुत सारी सनतें हैं ठीक है जिसपे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अगला सवाल देखिए दर्जा शेर जो है वो किसका है बताना है आपको कौन से शायर का है का एक दिन मीन है नींद की रात भर नहीं आती है ना ये हमारे चचा गालिब हैं उनका है ये शेर ठीक है आप लोग लिख सकते हैं चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसे हमने डिस्कस कर लिया है अब आप मुझे जरा ये बताइए कि आपके कितने सवाल सही रहे ठीक है यहाँ टोटल बारह सवाल थे और उनके अंदर सब पॉइंट्स भी थे बहुत सारे तो जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही रहे तब तक कि हम मार्किंग स्कीम को डिस्कस करते हैं अब यहाँ आप देख पा रहे हैं भाई ये मार्किंग स्कीम है आपके क्वेश्चन पेपर की ठीक है तो पहले जो आपके सवाल थे अकतबास वाले तो देखिए यहाँ सारे जवाब हैं किसकी बेटी थी अल्तमश की कहाँ की मलिका थी हिंदुस्तान की है ना क्या ख़ूबियाँ थी जहीन थी मेहनती थी होशियार थी है ना तो यहाँ पे सारे आपको जवाब मिल गए इसी तरह से नज्म का क्या नाम है तो आपको पता है इस्माइल मरठी साहब की थी वो नज्म ठीक तो है चिड़िया किसकी की तस्वीर खाँ करती हैं अल्लाह की करती हैं ख़िलत का मतलब क्या होता है पोशाक जो आपकी चश्मे का मतलब क्या होता है सोता जहाँ से पानी फूट के निकले है ना अब सवाल नंबर जो दो था उसमें भी आपके दो हिस्से थे पहला अलिफ था अलिफ में देखिए यहाँ आपको सारे जवाब दे दिए गए हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद बे में आपका सारे जवाब दे दिए हैं यहाँ से आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी अब देखिए आपका सवाल नंबर तीन जो था इसमें आपसे कहा गया था कि अपनी पसंदीदा उस मे आपको लिखने हैं यहाँ पे इन्होंने यौम जमूरिया का लिखा है तो आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं देखिए मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रही हूँ आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है आगे आ जाइए अब आपको दरख्वास्त दी, दी थी ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको दरख्वास करके दिखा दी गई कि दो दिन की छुट्टी के लिए कि कैसे आपको करना है पहले तारीख डालनी है फिर जिसको हम देते हैं उनको मुखातिब करते हैं फिर उनका एड्रेस लिखते हैं ठीक है थीके? फिर अपना मौजू डालते हैं ठीक है थीके? फिर यहाँ पे उनको ग्रीट करते हैं है ना सलाम नमस्ते जो भी है ठीक है इसके बाद फिर हम अपने मकसद को लिखते हैं कि हम किस मकसद के तहत आपको ये खत लिख रहे हैं या ये दरख्वास लिख रहे हैं और उसके बाद लास्ट में एक अगली लाइन में शुक्रिया करते हैं क्योंकि भई अगर हम किसी से अपना काम करा रहे हैं तो उसको थैंक्स तो बोलेंगे ना अब मैं आपको वीडियो देती हूँ जैसे ही वीडियो अपलोड किए हुए टाइम नहीं होती थैंक्स 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 मैम शुक्रिया मैम इतने सारे कमेंट्स आते हैं अच्छा लगता है ठीक है आप लोग इतना प्यार देते हैं उम्मीद करती हूँ आप लोग के काम में इसी तरह से आती रहूँ आप लोग को अच्छे से पढ़ाती रहूँ ठीक है तो कहने का मतलब ये कि जब आपकी दरख्वास्त पूरी हो गई आपका लगता है कि हाँ भाई मेरा काम हो रहा है तो आप थैंक्स भी बोलेंगे ठीक है फिर यहाँ पे आप उनके क्या है भाई आपसे उनका कोई रिश्ता होगा ना यहाँ पे आप उनके क्या है शागिर्द हैं स्टूडेंट हैं तो यहाँ लिखेंगे कि भाई मैं आपका फर्मा बरदार शागिरदूँ फिर यहाँ अपना नाम और अपनी क्लास लिखनी होती है राइट आगे आ जाइए दूसरा वाला पापा से ख़त लिखना है पापा से पैसे लेने हैं ठीक है तो यहाँ पर भी आपको पहले तारीख़ लिखनी है फिर आपको एड्रेस लिखना है ठीक है फिर पापा साहब को सलाम करना है ठीक है उसके बाद अपना जो भी आपका अर्ज़ तलब है जो आप कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप कहेंगे अब्बा से अपने ठीक है इसके बाद अब आप अब्बा के क्या हैं फर्मा बेटे हैं तो या अब अब्बा के फर्मा बेटे या फर्मा बेटी और अपना नाम लिखेंगे अब यहाँ रोल नंबर और एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ आप स्कूल का काम नहीं कर रहे जो आप अपना रोल नंबर और क्लास लिखेंगे ओके आगे आ जाइए अब यहाँ आपको कहा गया था कि भाई या तो रतन था... रतन सिंह के बारे में लिखिए नहीं तो इंटरनेट के बारे में लिखिए तो ये देखिए दोनों जवाब यहाँ आपको मिल चुके हैं ठीक है आगे आ जाइए यहाँ कहा गया था कि भाई मीर के बारे में लिखिए या साहिल लुधियानवी साहब के बारे में लिखिए तो देखिए मीर के बारे में ही हम लोग ने लिख लिया है है ना ये साहिल लुधियानवी साहब के बारे में हो गया बहुत डिटेल में नहीं लिखना है आपको चार पांच लाइनों में बात खत्म कर देनी है ठीक है अभी आपके एम सी क्यू थे तो पहले का क्या हो गया जिसका फेल फाइल मालूम ना हो मजहूल कहा जाता है फेल है मजहूल है ना फिर आपसे मैंने पूछा था कि भाई आपको ये तो पता चल ही था कि भाई जिसमें काम करना होना पता चले उसे फेल कहते हैं ठीक है लेकिन अब मैंने आपसे पूछा था इसम किसे कहते हैं जमीर सिफत है तो आपको पता है इसम कहते हैं संज्ञा को यानी नाउन को अब आप उसे डिफाइन कर सकते हैं सिफत कहते हैं विशेषण को है ना यानी एडवर्ब को जिसे हम क्या कह सकते हैं कि भाई जिसमें हम किसी की क्या कर रहे हैं एडजेक्टिव है ना जिसमें हम किसी की अच्छाई या बुराई बता रहे हैं ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको फ़तेह बता दिया था आला बता दिया था आलिम बता दिया था खुशकस्मत शजर और काफ़िया ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली थी अब देखिए सवाल नंबर आठ है इसमें जो आपको दिए गए थे जल्दी जल्दी इनके जवाब आप यहाँ से लिख सकते हैं ठीक है और नौ में भी जो अभी आपके थे वो सारा यहाँ पर आपको दे दिया गया है दसवें का भी दे दिया गया है ठीक है दसवाँ ग्यारहवाँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं इसके बाद देखिए यहाँ सनत जो है ये किसकी है आपको पता चल गया तशबी थी और उसके बाद जिसने ये लिखा था आ, ये मिर्ज़ा गालिब थे अच्छा उसमें बेटा शायद ये क्वेश्चन मिस प्रिंट था वहाँ था नहीं कि भाई नज़ीर अकबरबादी का पूरा क्या नाम है तो यहाँ बता दिया गया कि मोहम्मद वली नाम है उनका है ना वो वहाँ क्वेश्चन था नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है खैर ठीक है तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से ये आपकी मार्किंग स्कीम डिस्कस कर ली मैंने उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब अगर कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग